मोदी सरकार बार बार क्यों बोलते थे? एनडीए सरकार बोलते जब जब लड़ रहे थे तो दिखाया जा रहा था एवरीथिंग इज मोदी, नॉट इवन बीजेपी। और आज आप कह रहे हैं कि साहब ये तो एक एनडीए ने मिलकर के चुनाव लड़ा। हाँ, कल प्रधानमंत्री गए थे बीजेपी के दफ्तर, सीटें नहीं है जितने मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री गए थे, सीटें मिल गई हैं। अरे सुन तो लीजिए, कल प्रधानमंत्री गए थे बीजेपी के दफ्तर, आप सब मिलकर 38 पार्टियां 234 इकट्ठा कर पाई हैं, और जो आप मोदी सरकार कह रहे हैं वो इकलौते बीजेपी अपने दम पर 240 लेकर आ गई है। मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ये भी सुन लीजिए, मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं आपके पास। पंकज जी जो आप कह रहे हैं तकनीकी तौर पर ये बात सही है कि उन्हें इतनी संख्या मिली है जी, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। विवेक देखिए विवेक, कुछ बातें ऐसी होती हैं जब आप बोल देते तो मुश्किल में फंस जाते हैं, आप शायद मुश्किल में फंस जाएंगे, यही जवाब देना होगा। जब प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनका मेरे हिसाब से तो अगर बीजेपी एक और संघ रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको एनालिसिस आता है, तो जिस आदमी को नेतृत्व दिया था उसने आइडियोलॉजिकली उनके संगठन को कॉम्प्रोमाइज किया है। मुझे मौका दीजिएगा विवेक जी, मुझे मौका नहीं, जल्दी जल्दी बदलेंगे। चलिए अच्छा हुआ बीजेपी संघ रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अभी उनको अपशब्द कह रहे थे 30 सेकंड पहले, कमाल कर रहे हैं। अरे कुछ तो सोचिए। खैर आप लोगों का संकट ये है, आप सचमुच ये नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जीत कम्युनिस्टों के भारत के सनातन धर्म के खिलाफ स्थापित करने का समय है। इस नैरेटिव से बचिए विवेक जी, ये कई बार आप लोग कोशिश कर गए हैं, फिर मात खाएंगे आप, उनको भी परेशान करेंगे जो आज किसी दूसरे मुद्दे पर लड़कर जनता के बीच से जनादेश लेकर आए। भाटी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ तकनीकी तौर पर आपकी बात सही है, उनके पास संख्या है, लेकिन हम नैतिकता के आधार पर देखें तो मोदी जी के जनादेश में कमी आई है, जनता उनसे नाराज है, तभी तो उन्हें कम वोट दिया है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से नीचे चली गई है। तो ये एक नैतिक आधार पर मोदी जी को जनादेश को स्वीकार करते हुए खुद ही मना कर देना चाहिए कि मुझे जनादेश नहीं मिला है। हाँ, मैं सरकार मैं नहीं बनाऊंगा। बार बार कह रही हूँ, आप दोनों से पूछ रही हूँ, विवेक जी, जी और भाटी जी, जी आप जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हार गई है, मुझे ये बताइए इससे पहले जो सरकारें चली है यूपीए 1 जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसे कितनी सीटें मिली थी? जी अब मैं बता देता हूं, यूपीए 2 जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसे कितने सीटें मिली? मैं इसके आंसर देता हूं आपको, 142 और 206। सर प्लीज लेट मी स्पीक, मेरे को बोलने दीजिए। 142 और 206, मैंने ये आंकड़ों का खेल नहीं, 10 साल की सरकार की पूरी अपराधी मुझसे प्रश्न पूछा है, मेरे को बोलने दीजिए। तो सुन लीजिए ना, मेरा उत्तर सुन लीजिए आप। हां बोलिए। सबसे पहली चीज, वो चुनाव डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं लड़े थे। अरे वो चुनाव कांग्रेस वो लड़ने की स्थिति में नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक चुनाव नहीं जीते, राज्यसभा असम से आते थे। ये गलत है, तथ्य तो सही बताइए ना। आप मनमोहन सिंह के ऊपर सोनिया गांधी सरकार चलाती थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सरकार, एनएसी चलाती थी सरकार, देश का संविधान उस वक्त खतरे में था, लोकतंत्र उस वक्त किया गया। आप कमाल कर रहे हैं, तथ्य सुनने की हिम्मत नहीं। सुन लीजिए आप, तथ्य क्या है, चुनाव जब लड़ा गया तो चुनाव डॉक्टर मनमोहन सिंह के फेस को लेकर के जनता के बीच में कोई नहीं गया था, एक आइडियोलॉजी को लेकर के गए थे लोग, कई पार्टियां गई थी, जब मिलकर के बहुमत आया तब डिसाइड किया गया कि फेस ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा, इसलिए वहां पे आइडियोलॉजिकली। लेकिन यहां पर फर्क है, यहां पे आप मोदी का फेस लेकर के गए और 240 पे सिमटे हैं। ठीक, एनडीए नहीं लड़ा है चुनाव। बड़ी खबर दे दें इस बीच, बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले चिराग पासवान 5 सीटें लेकर आए हैं, वो उनकी नीतीश कुमार से वो मुलाकात होने वाली है, और अभी 9:45 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचने वाले हैं चिराग पासवान। पटना में मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से चिराग पासवान की मुलाकात होगी, और उसके बाद दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे चिराग पासवान। तो ये बड़ी खबर है रूपिता। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे, पिछला जो विधानसभा चुनाव गया था वहां एक बहुत शानदार उन्हें रिजल्ट नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पुरजोर मेहनत की, 5 सीटें बीजेपी देने पर राजी हुई और 5 सीटों पर विजयी हुए हैं, और इसीलिए ये जीत उनके लिए बहुत माने रखती है। आज पटना में 9:45 पर उनकी मुलाकात होने वाली है नीतीश बाबू से।
फिर दोपहर 1 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। एनडीए में जैसा हमने आपको बताया कि आज बैठकों का दौर चलने वाला है, एक तो 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके मंत्रिमंडल के साथ बैठक होने वाली है, उसके बाद हो सकता है कि वो इस्तीफा सौंपेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि सरकार के गठन के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक जो है वो भी यहाँ आज बैठकों का दौर करेगा। सुप्रिया सुले और शरद पवार वहां मुंबई से रवाना हो चुके हैं, उद्धव ठाकरे आज मुलाकात करने के लिए आने वाले हैं, नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू दोनों ही एक ही जहाज से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, एक इंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए जाएंगे, दूसरे एनडीए में बैठक में शामिल होने के लिए जाने वाले हैं। तो आज का जो ये दिन है वो बड़ा हलचल वाला रहने वाला है। शिवम त्यागी, ये सवाल बड़ा हो जाता है कि अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू आपसे किनारा कर लेते हैं तो फिर आगे की स्थिति क्या? रूबिका जी 10 सेकंड में एक बार पहले भाटी जी का जवाब दे दूं, इनको बड़ी नैतिकता याद आ रही है आज। माननीय मुलायम सिंह यादव जी 37 सीटें लोकसभा की लेकर जीत कर देकर गए थे आपको, आज अपनी जिंदगी की सबसे बुरी टैली में थे 2019 से 2024 में। अखिलेश यादव ने कितनी नैतिकता निभाई और पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया, वहां तो आपको नैतिकता नजर नहीं आई जब आप एक स्कूटर पर आ गए थे। उनके लिए नैतिकता नहीं चाहिए, वो खानदान हमेशा बस ऊपर बैठा रहे, वो सीटें 3 लाए या 30 कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कितनी नैतिकता निभाई, 137 साल पुरानी पार्टी को अपनी जिंदगी के सबसे बुरे आधार पर लाकर खड़ा कर दिया, पिछले 20 साल से 47 चुनाव हार गए, वो कितनी नैतिकता निभाई। जिस प्रधानमंत्री ने 25 साल में अपना और 62 साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाकर वोट शेयर लेकर आए, उनको तो नैतिकता होनी चाहिए। भाटी जी से इसका जवाब लेंगे। शिवम, जो दूसरा सवाल रूबिका ने पूछा था, जरा उसका जवाब दे दीजिए, अगर छिटक गए आपसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार फिर क्या? दूसरा, मैं बिल्कुल एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक स्थितियां हैं कोई छिटकने वाला सवाल नहीं है। हाँ, सवाल पूछा जाना स्वाभाविक है आपका, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है। जिस तरीके से हम चुनाव लड़े हैं, जो मोदी जी का विजन रहा है, जो ये सीटें हमारी आई हैं, ये सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे आई है। चुनाव लड़ने की जहां तक बात है, बिल्कुल हमने उनके नाम पर लड़ा, लेकिन इस देश में या ऑपोजिशन या फिर कोई और किसी भी स्थिति में इतना बड़ा नेता, लेकिन शिवम राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। जब तक की फाइनल वो फाइनल चीज ना हो जाए तब तक कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं। शिवम, जवाब लेंगे आपसे, जवाब लेंगे, अभी तो बड़ा वक्त है, अभी वक्त तो बहुत है, मीटिंग का दौर चलने वाला है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि एनडीए 292 पर है, इंडिया 234 पर है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से कवायद सरकार बनाने की हो सकती है, और इसीलिए आज का दिन जरूरी हो जाता है। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। दिन भर आज क्या कुछ गतिविधियां होने वाली हैं दोनों ही दलों की तरफ से, उस पर हम सब की नजर रहने वाली, और इसीलिए हम हाजिर हो गए क्योंकि जंग अभी खत्म हुई नहीं है। नतीजों में भले ही एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन सियासी खेल शुरू हो चुका है। एनडीए के पास नंबर है तो वो सरकार बनाने के दावे कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्हें अपने गठबंधन के साथियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहां से कहानी शुरू होती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास नंबर नहीं है, लेकिन वो अपने आंकड़े को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने की पूरी कोशिश में है। इसके लिए जद्दोजहद शुरू भी हो चुकी है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है। दो चेहरे हैं जो अब इस सियासी हलचल के केंद्र में है, सेंटर में है, और दोनों ही चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी है। एनडीए के घटक दल का चेहरा है आंध्र प्रदेश के टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू, और बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार। अगर कहा जाए कि 2024 में दिल्ली में बनने वाली केंद्र सरकार की चाबी किसके पास है, तो यकीन मानिए इन्हीं दो चेहरों के पास है। ये कहना गलत हो ही नहीं सकता है आज की तारीख। तो बिल्कुल यही वो दो चेहरे हैं जिनके पास, जिनके इर्द गिर्द पूरी की पूरी सियासी हलचल है। एक तरफ एनडीए है जिसे अपने सहयोगी दलों को बचाकर रखना है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास अभी खेलने का मौका है, और इनका खेल तभी
तभी जो है वो मुकम्मल हो पाएगा जब ये टीडीपी और जेडीयू को अपने साथ यानी अपने साथ रख पाए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपनी ओर खींच पाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा, इसी को समझने के लिए आज ये खास पेशकश आपके सामने है। लेकिन सियासी हलचल तो तेज है ही ना, आपको जल्दी से बता देते हैं कि किस तरह की सियासी हलचल चल रही है। दिल्ली में आज दोनों गठबंधन अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बैठक करने वाले हैं और बैठकें एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का एक मौका भी होती है। एनडीए की बैठक शाम 4 बजे है जो पीएम के घर पर होगी और सूत्र ये कह रहे हैं कि एनडीए के सभी घटक दल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें आज शाम 6 बजे यानी एनडीए की बैठक की टाइमिंग से सिर्फ 2 घंटे बाद इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी, जिसमें आगे की स्ट्रैटेजी आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव को भी दिल्ली बुलाया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी इस बैठक में खुद नहीं आ रही हैं, बल्कि अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को भेज रही हैं, जो दोपहर 1 बजे के करीब दिल्ली लैंड हो सकते हैं, दिल्ली पहुंच सकते हैं, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले एक बार टैली आप देख लीजिए। टैली क्या कह रही है? 543 की 43 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। 292 पर एनडीए मौजूद है, इंडिया गठबंधन को 234, 292 का मतलब यह है कि 272 का आंकड़ा पंकज वो पार कर चुके हैं। लेकिन 60 सीटों का यहां पर एनडीए को नुकसान है और 128 सीटों का यहां पर इंडिया गठबंधन को फायदा साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन रूबिका देखिए बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो है अब तीसरी बार शपथ लेंगे, तो ऐसे में वो 1962 के बाद उस चीज को दोहराने वाले प्रधानमंत्री होंगे। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि एंटी इनकंबेंसी हो सकती है 10 साल की, तो वो ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि वापस से वो अगर शपथ ले रहे हैं उस तरह की चीज सामने आ रही है। और खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जरा उनका तारुफ करवा दें। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेफ्ट लीडर भी हैं, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ, और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हर्षवर्धन जी, सबसे पहले तो आपसे जो कल के नतीजे आए हैं उनको लेकर पहला रिएक्शन आप। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से आई, और भारतीय जनता पार्टी जिन चीज़ों को लेकर सोच रही थी वहाँ अगर गड़बड़ हुई तो उसको नए सिरे से कुछ बातें तो सोचनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि राम की नगरी अयोध्या में अगर उसके प्रत्याशी हार गए, लल्लू सिंह जैसे व्यक्ति को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ व्यक्ति के तौर पर वो खराब है, लेकिन जिस व्यक्ति को पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में भी कहा जा रहा था कि इनको टिकट क्यों दिया गया, उनको टिकट दे दिया जाना, और उसके बाद वहां जिस तरह के समीकरण चल रहे थे और इसमें बिना किसी संकोच के अखिलेश यादव ने वो मूव चला जिसको कहा जा रहा था कि शायद राम मंदिर ओवरराइड कर जाएगा, वो नहीं किया। इसके अलावा जो चर्चा सलाह मशविरा उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी वो एक व्यक्ति तक आकर रुक गई। कौन लोग थे जिन्होंने टिकट वितरण किया, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए, और संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा इसका जवाब समय से भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। बाद में प्रधानमंत्री मुसलमान आरक्षण छीन लेगा उस पर गए, लेकिन वो काम शायद तब तक नहीं किया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जो ये बात कह रहे हैं कि वो एक चेहरा जिसकी राय ली जानी चाहिए थी, राय शुमारी उस चीज में हो जानी चाहिए थी कि कितने टिकट कहाँ किसको कैसे बांटे जाने चाहिए, वो नहीं, वो चेहरा कौन इस पर मैं चर्चा करूंगी और आपसे वो नाम भी चाहूंगी। लेकिन राजकुमार भाटी जी, उत्तर प्रदेश के हीरो तो रहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और उनके तमाम सिपहसालार, सबसे पहले तो मेरी मुबारकबाद आप कबूल कीजिए क्योंकि बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई वो पीडीए स्ट्रैटेजी काम करती नजर आई, ये बात सच है। अयोध्या के ये एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय, उनके एक शेर में थोड़ा सा फेरबदल करके मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ। इरशाद कि हमारा हाल छोड़ो, हम जहाँ भी हैं मजे में हैं मगर उनका क्या होता जो मीडिया ईडी और सीबीआई ना होती। ले अब इसमें का एक लाइन भाटी जी को रोक, हाँ इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, तरीका बताइए रूपका जी। पहली बात तो अरे मीडिया, अच्छा मुबारकबाद लेते ही राजकुमार भाटी जी हमने शुरू कर दिया।
ये मतलब नहीं मेरी बात सुनो, अब तो ईवीएम को मीडिया को दोष देना बंद कर दीजिए। आधा मिनट मुझे दे दो हमें। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने जिस तरह का शानदार समर्थन दिया है, उस समर्थन के बाद आदमी को बहुत विनम्र हो जाना चाहिए। मैं आज बिल्कुल तू तड़ाक के मूड में नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई ये है। देखो रूपिका जी, आप उस बात, आप ये मत जाइए कि हम मीडिया का विरोध कर रहे हैं या ये कर, लेकिन पूरे 3 महीने मीडिया ने जो माहौल बना के रखा कि 400 पार, कोई ओपिनियन पोल हमें 500 से ज़्यादा सीट दे नहीं रहा था। एग्जिट पोल में भी हमें 11-12 तक टोटल ले जा रहे थे खींचतान के। तो ये क्या अनुमान नहीं लगा पाए या मीडिया जानबूझ के ये कर रहा था? ये तो खैर अपनी समीक्षा करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम मीडिया के भी आभारी हैं, हम जनता के भी आभारी हैं सब। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जीत में 2-3 फैक्टर हैं, अगर आप कहें तो मैं उन्हें क्लियर करना चाहता हूं। एक तो अखिलेश यादव जी का अपने मुद्दों के प्रति पूर्णतः समर्पण, वो डगमगाए नहीं, उनकी खूब आलोचना हुई, खूब निशाना बनाया गया कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गई। उन्होंने कहा हम बाद में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वो झुके नहीं, डरे नहीं इस आलोचना से। दूसरा जो पीडीए का उनका फॉर्मूला था, उसे उन्होंने व्यवहार रूप में, कोई केवल नारा नहीं, व्यवहार रूप में उतारा। हैजाबाद सीट जो हम जीते हैं, अयोध्या जहां राम मंदिर है, वहां जनरल सीट पे एससी कैंडिडेट को लड़ाया, और मेरठ में भी 5-7 हज़ार से हारे हैं, हारी है हमारी सुनीता वर्मा, वो भी जनरल सीट पे एससी कैंडिडेट उतारी थी। चारू प्रज्ञा भी, राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और अभी अभी वो स्क्रीन पर नजर आई तो सोचा उनका तारुफ करवा दूं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, इसमें एक और छुपी हुई बात भी है ना, जो नैरेटिव आपने बनाया था कि ये संविधान को जो है खतरे में डाल देंगे, ये एससी एसटी का आरक्षण छीन लेंगे, ये काम कर गया, ये जो नैरेटिव आपने फैलाने की कोशिश की, ये काम कर गया। और शायद यही वजह है कि एससी एसटी दलित जो है वो एक मुश्त आपकी तरफ आ गया। मैं जरा रूबिका, इनका जवाब हम लेंगे। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में आज होने वाली एनडीए की बैठक से पहले सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है पंकज। बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से कैबिनेट मंत्री का महत्वपूर्ण